आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सफलता और सुख पाने के लिए इंसान जीवन भर खूब मेहनत करता है, लेकिन कई बार मेहनत के बावजूद व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती। वहीं कुछ लोग कम मेहनत के बावजूद सफलता आसानी से पा लेते हैं। ऐसे में माना जाता है कि व्यक्ति को जीवन में असफलता पूरी जानकारी और सही मार्गदर्शन ना मिल पाने के कारण मिलती है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में चाणक्य की नीति शास्त्र सबसे ज्यादा काम आता है। चाणक्य नीतियों का पालन करके व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। वीडियो में आज हम जानेंगे सफलता पाने के लिए आचार्य चाणक्य के उन 5 मंत्रों के बारे में, जिनसे व्यक्ति सफलता के सोपान पर आसानी से चढ़ जाता है। जानकारी अति महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि आप तक ये अति महत्वपूर्ण जानकारी पूर्ण रूप से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। जैसे, मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा और क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। जब गहन सोच विचार के बाद आपको इन 3 प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिले, तभी किसी नए काम की शुरुआत करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति कोई भी कार्य करे, उसमें बाधा जरूर आएगी, लेकिन जब आप किसी काम को शुरू कर दें तो आने वाले बाधाओं से घबराकर उसे बीच में ना छोड़ें। याद रखें, किसी काम को पूरा करने के बाद ही लोग उसे याद रखते हैं, इसके बिना पूरा कार्य व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपनी सफलता का राज किसी दूसरे को कभी नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपका खास मित्र ही क्यों ना हो। अगर आप अपने सफलता का राज किसी और को बताते हैं, तो वह भी उसी रास्ते से सफलता प्राप्त कर आपके बराबर आ जाएगा। हो सकता है कि वह आपसे आगे भी बढ़ जाए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईमानदार व्यक्तियों पर सबसे पहले प्राप्त। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।